वक्त की बड़ी खबर आ रही है छतरपुर जिले के लवकुश नगर अन्न विभाग की, जहां पर समय से खाद न मिलने के विरोध में सैकड़ों किसानों ने मुख्य मार्केट पर जाम लगा दिया। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है और लवकुश नगर अन्न विभाग में किसानों को खाद नहीं मिल पाई। इसी से परेशान होकर अन्नदाता किसान सड़कों पर उतर आए हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो आनन फानन में पहुंचकर किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाइश देकर जाम खुलवाया। किसानों ने कहा कि अगर उन्हें समय पर खाद न मिली तो वे आगे फिर से जाम लगा सकते हैं। किसानों ने कहा कि जब समय पर खाद नहीं मिलेगी तो फिर बाद में खाद मिलने से क्या फायदा। आइए देखते हैं कैसा रहा लवकुश नगर में जाम का माहौल। केवल कृषि पर आधारित है, अगर हम कृषि इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो क्या दशा होगी किसानों को। श्रीनगर में 1800 की बोरी दे रहे, पूछो इनसे, लो पूरा प्रमाण दो, मिल रही है कि नहीं मिल रही है श्रीनगर में। अरे ही मिले एमपी की मिले 1800 की बोरी। और आप पत्रकारों से भी विनम्र निवेदन है, देखो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि जहां लौड़ी में भी कालाबाजारी होती है आप वहां पहुंचे हैं उन्हें पकड़वाएं। लेकिन किसानों की समस्या को ये भी दिखा रहा है मीडिया पे, मैं मीडिया को भी कह रहा हूँ इस बात, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, इसको काटना मत, ये भी दिखाना। और इस वक्त की बड़ी खबर लवकुश नगर से निकलकर आ रही है, जहाँ पर आप देखें चक्का जाम हो गया है। देखें आप यहाँ पर चक्का जाम है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जाम किस प्रकार का लगा हुआ है। देखें हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपने जाम क्यों लगाया है। जाम कर दो भैया, जाम हमने नहीं लगाया, पूरे जन समुदाय किसान भाई आए हुए वो जनहित की मांग कर रहे हैं। भारत देश का एक गौर कृत्य है, रतन है, किसान अन्नदाता है, परमेश्वर अन्नपूर्णा माई की पूर्ति करता है। नहीं तो जाम किस कारण से लगा हुआ है? आज न मिलने के रोज 50,000 रुपये 10,000 रुपये 15 दिन से परेशान हैं, 4 बजे से आ जाते हैं।